आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति और विकास के प्रस्ताव रखे गए, जिसमें अब जम्मू कश्मीर में विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है, जहां पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में विफल रहने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का कहना है कि पहले लोगों को विश्वास में लेने की जो सलाह है वो भी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव जो है वो रखे गए और उसके बाद पूरा ब्यौरा जो है एक तरह से दिया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, किस तरह की रणनीतियां जो है उन्होंने बनाई हैं, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को किस तरह से उन्होंने अपने संदर्भ में लिया है, जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में किस तरह से काम किया गया है उस पर भी उन्होंने एक तरह से विचार जो है वो रखे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस या फिर पीडीपी की बात करते हैं तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं और यही कहा जा रहा है कि जनता की आवाज को उठाने से पहले जो है जिस तरह की रणनीतियां उन्होंने बनाई थी उस पर एक तरह से यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। सभी आंकड़े जो है वो सामने रखने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जहां पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था उस पर भी काफी बातचीत जो है इस मीटिंग में, इस कमेटी में जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। और साफ तौर पर यह कहा है कि जहां पर आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती थी, जहां पर कई सारी हत्याएं जो हैं आतंकवादियों के इन घटनाओं के तहत की जाती थी, उसमें अब कमी जो है वो देखने को मिली है, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों की अगर बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां यहां पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर परिणाम जो है वो उल्टे ही है। लेकिन जहां पर जिस तरह की ये कमेटी जो है ये बिठाई गई, जिस तरह की मीटिंग जो है ये हुई, इस पर कुछ बातचीत हुई है, चलिए इसी पर हम तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग की अगर बात करते हैं, जहां पर तमाम जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है, किस तरह की इंपॉर्टेंस जम्मू कश्मीर को दी गई इस पूरी जो मीटिंग रखी गई थी? देखिए चेतना, ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। रिसेंटली बाय इलेक्शन हुए थे और बाय इलेक्शन में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा था, उस पर भी चर्चा हुई विस्तार से। लेकिन आपने जब जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ है, 35A को रिपील किया गया है और उसके बाद से बड़े से सवाल उठ रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि 70 से ज़्यादा यूनियन मिनिस्टर, चाहे वो MS हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उसके बाद जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही थी आखिर उसकी वजूहत क्या थी, इन सब पर चर्चा करना ज़रूरी था। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है और विस्तार से चर्चा करने के बाद कुछ पॉजिटिव लोगों को या कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव संकेत दिए गए और ख़ासतौर पर जो कार्यकारिणी में कहा गया है कि 2004 से लेकर के 2014 तक 2081 जो सिविलियन हमारे के हैं, जबकि 239 2014 से लेकर के 2021 तक 239 लोग मारे गए, यानी इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आतंकवाद का आंकड़ा जो है, ग्राफ जो है कम हुआ, इस पर चर्चा की गई। दूसरा अमन और साथ साथ विकास और लोगों का विश्वास जीतने पर चर्चा की गई है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का विश्वास जीतना है। विकास का जो वादा उस वक्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जब ये बिल लाया गया था, उस विश्वास को बहाल करना है। और यहाँ से भी पार्टी के नेता जुड़े हुए थे, कुछ वर्चुअल मोड में जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जिस तरह के दिशा निर्देश केंद्र सरकार के केंद्र नेतृत्व से आएंगे उस पर अमल किया जाए। जी बिल्कुल विनोद जी, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए वो तो सवाल उठा रही है, वो तो यही कह रही है कि आखिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आंकड़े सामने रख रही है उसमें जमीनी स्तर पर अगर सच्चाई की बात करें या फिर आम जनता के विश्वास की अगर बात करें वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली चेतना, जो
अपोजिशन में होता है उसका काम ही यही होता है कि कोई प्रस्ताव अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है उसका विरोध पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए हैं कि क्या सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, पिछले महीने में 13 लोगों की सिलेक्टिव किलिंग हुई है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनको गन पॉइंट पर मारा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है वो इस बात को ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रस्ताव में अमन की बात करती है तो ये बात ज़रूर उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ने आंकड़े बता दिए हैं, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बिल्कुल आंकड़े दिखा दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 2081 लोग 2004 से लेकर 14 तक उनकी डेथ हुई है आतंकी वारदातों में, और 2014 से 2021 तक 239 लोग मारे गए। तो ये आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन अपोजिशन का काम है कि जब भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव लाती है तो उस पार्टी की सच्चाई सदाकत आवाम तक पहुंचाना। जी बिल्कुल विनोद जी, साथ ही साथ जिस तरह से सुरक्षा शांति और विकास की बात जो है वो खास तौर पर इस कमेटी में बैठे हुए जो मेंबर्स थे उन्होंने की है, और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हर वो चीज़ यहाँ पर जो है बताई गई है कि विकास कार्यों के लिए कितने रुपए जो खर्च हैं वो ऑलरेडी कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कितना पैसा जो है जम्मू कश्मीर में और खर्च हो सकता है, तो इस पर और क्या कुछ बात कही गई है? देखिए 80,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी पैकेज जम्मू के पास पड़ा हुआ है, जिसमें से 50% से ज़्यादा खर्च हो गया है। कुछ परियोजनाएं जो है कंप्लीट भी हो चुकी हैं, और कुछ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ परियोजनाएं जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो लिंगरान भी हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, लेकिन जैसे जो जिला टनल, जेडमोर टनल और बहुत सारे, अगर लद्दाख की बात करें या कारगिल लेह की बात करें वहाँ पर भी हो रहा है, जम्मू में एक्सप्रेस हाईवे की बात करें उसका काम शुरू हो चुका है, या फिर अखनूर की बात करें जम्मू टू अखनूर जो है 4 लेन बन रहा है वो भी काम हो रहा है। प्रोजेक्ट पर भी बात की गई है, यानी विकास पर भी पूरी तरह से तवज्जो दी गई है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का असल इशू जो रहता है वो रहता है कि अमन जी। अमन पर भी चर्चा की गई है कि अमन को कैसे बहाल रखा जाए और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति हो। 370 में संशोधन और 35A के हटने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो था एक तो विकास था, दूसरा अमन था, इन दोनों मुद्दों पर ही कार्यकारिणी में चर्चा की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग जो आयोजित की गई थी इसमें तमाम बातचीत की गई और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की भी बात की गई, वहीं पर अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन ने भी यहां पर कड़े सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं।